साइक्लोन भी अगर आप देखें तो हमें दो तरह के साइक्लोन जो है वो पढ़ना है. वन इज द टेम्परेट साइक्लोन, एंड द अदर इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन. क्या अब आप देखें कि जो हमने अभी तक फ्रंट्स पढ़ा बेसिकली उसका फॉर्मेशन या उसके जो स्टेप्स आएंगे या ओवरऑल उसमें क्या चेंजेस हमने जो फ्रंट्स में पढ़े वो कई बहुत टेम्परेट साइक्लोन्स में वही सारी चीज़ें देखी जाती हैं. एयरमास का लोकेशन मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था तो उससे आप लोगों को ये अंदाज हो जाएगा कि ये टेम्परेट साइक्लोन्स कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं. दूसरी बात कि अभी हमने देखा कि फ्रंट्स के अलॉन्ग किस तरह की चीज़ें हो रही हैं. सडन चेंज इन टेम्परेचर, सडन चेंज इन प्रेशर, वार्म एयर राइज हो रही है, कोल्ड एयर सिंक हो रही है, पूरा का पूरा वार्म एयर जो है वो उस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ये साइक्लोन के कुछ बेसिक ट्रेड्स हैं. आप देखें ना कभी भी ओडिशा में भी साइक्लोन आता है तो आई थिंक झारखंड तक उसका इफेक्ट होता है. सडन एक अलग ही तरह की स्ट्रॉन्ग विंड्स आपको फील होने लगती है. अभी आया है बट दैट इज फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, बट स्टिल आप देखें कि कहीं ना कहीं उसका असर दिख जाता है. तो आप सोचें कि साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा स्पीड से, जहाँ पे साइक्लोन आता होगा वहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्पीड कितनी ज़्यादा है. झारखंड तक तो साइक्लोन नहीं आ रहा, उसका सिर्फ असर आ रहा है. तो जहाँ पे साइक्लोन आती है यू कैन जस्ट इमेजिन कि वहाँ स्पीड जो है विंड की वो कितनी ज़्यादा है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन स्पीड ऑल्सो, तो वो चेंज वगैरह कितनी ज़्यादा है. सिमिलरली ट्रॉपिकल साइक्लोन आप देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो हमेशा, इंडिया के केस में जैसे देखें, वो हमेशा सी एरिया पे, सी में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, विंड का एक पर्टिकुलर स्पीड, उसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके कारण हवा जो है एक पर्टिकुलर वे में बहुत तेज़ी से घूमने लगती है. एंड जब वो तेज़ी से घूमने लगती है, ये विंड, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है दे ऑलवेज ओरिजिनेट ओवर द ओशन. ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कह रही हूँ ना कि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में डिफरेंस बताएं, तो इस तरह के पॉइंट्स आपको उसमें लिखने होंगे. जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इसकी इसका ओरिजिनेशन इज ऑलवेज अबव द ओशन, क्योंकि इसमें मॉइस्चर सोर्स के कारण जो है वो विंड कंटिन्यूसली मूव करनी स्टार्ट करती है. इसमें क्या है, दो अलग तरह की एयरमास मिलने के कारण एक तरह का फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड उससे साइक्लोन मूव की फॉर्मेशन होती है. इस तरह का साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो मान लीजिए इस वाटर बॉडी में मूव कर रही है एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स द लैंड सरफेस, उसको लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है. और फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे इंटीरियर्स में मूव करते जाती है, क्योंकि अब ये कॉन्टिनेंट के ऊपर जा रही है, मॉइस्चर का इसके पास एक कंटिन्यूस सोर्स जो है वो ख़त्म होते जाता है, इसीलिए धीरे 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 करके साइक्लोन का असर जो है वो कम होते जाता है. बट यू कैन स्टिल इमेजिन इफ इट इज़ हिटिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड इट इज़ इफेक्टिंग टिल द इंटीरियर्स ऑफ झारखंड ऑल्सो, तो यहाँ पे स्पीड कितनी ज़्यादा होती होगी और उसमें कितना ज़्यादा मॉइस्चर होता होगा. बिकॉज व्हेन साइक्लोन्स कम इन उड़ीसा ऑल्सो तो यहाँ तक भी विंड स्पीड अलॉन्ग विथ रेनफॉल भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो पहले बिकॉज वी वर स्टडिंग द फ्रंट्स, सो फर्स्ट वील स्टडी द टेम्परेट साइक्लोन्स. आप एक बार टेम्परेट साइक्लोन हेडिंग डाल लें, साइक्लोन्स पहले तो साइक्लोन्स हेडिंग डालें. डेफिनेशन लिखे पहले तो, द एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस विच इन्वॉल्व अ क्लोज्ड सर्कुलेशन. सारे टर्म्स पे ध्यान देते जाएं, क्लोज्ड सर्कुलेशन होगी अबाउट अ low pressure center comma anti-clockwise in northern hemisphere
एंड क्लॉक वाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड साइक्लोन्स. ठीक है, तो इसके ट्रेड्स क्या क्या हैं? क्लोज सर्कुलेशन होती है अबाउट अ लो प्रेशर सेंटर. विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रही है. तो होता क्या है कि बहुत सारी तरफ से विंड का मूवमेंट ऐसा हो जाएगा कि हाई प्रेशर जो है वो सारे तरफ से विंड की तरफ आ रही है, लो प्रेशर की तरफ, एक लो प्रेशर एरिया की तरफ, एंड वो एक क्लोज सर्कुलेशन, एक क्लोज सर्कल एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. देन दैट गिव्स राइज टू अ साइक्लोन. दूसरी बात कि नदन हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज क्लॉकवाइज. इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है बट पीटी में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ऑब्जेक्टिव मतलब वन मार्क जो क्वेश्चन है वो यहाँ इससे बन सकते हैं दैट नदन हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो है वो किस तरफ बेंड हो रही है. अब उसमें क्या करेंगे, उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए अननेसेसरी दो चार विंड का उसमें नाम ऐड कर देंगे कि नॉर्मली, मान लीजिए कि नॉर्मली साइक्लोन जो है इट बेंड्स एंटी क्लॉकवाइज इन द नदन हेमिस्फीयर, लेकिन मान लीजिए ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस के कारण या अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस वो सदन मूव करती है या क्लॉकवाइज मूव करती है. ऐसे कुछ कंडीशंस, अननेसेसरी के कंडीशंस ऐड करके उसको डिफिकल्ट बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना हो तो. अदरवाइज डायरेक्ट आप ये बात याद रखें कि नदन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदन हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज. मैं ऐसे हाउ आई रिमेंबर इट, नदन हेमिस्फीयर में ऐसे याद रखें एन एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज. समझ में आई बात? ये एन है नदर हेमिस्फीयर, ऐसे याद रखें ना, कुछ भी ऐसे याद रखें, एन ऐसे लिख लिया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एस सदर्न हेमिस्फीयर का, ये क्लॉकवाइज. कुछ अपने ट्रिक्स जो हैं अपने डेवलप करते रहे, मैं आपको इसलिए कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ कि क्योंकि लॉन्ग टर्म रिटेन अदरवाइज चीज़ें ऐसे नहीं होंगी. हिंदी में लिखें चक्रवात, डेफिनेशन लिखें उसकी. चक्रवात निम्न दाब के ऐसे केंद्र होते हैं, चक्रवात निम्न दाब के ऐसे केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ संकेंद्रीय समदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं, तथा केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता है कॉमा परिणाम स्वरूप परिधि के केंद्र की ओर पवनें प्रवाहित होने लगती हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसमें, चक्रवातीय प्रवाह में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज या फिर घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में या फिर क्लॉकवाइज होती है.
चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, पहला उष्णकटिबंधनीय चक्रवात, साइक्लोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधनीय चक्रवात एंड सेकेंड बहिरुष्णकटिबंधनीय चक्रवात, बहिरुष्णकटिबंधनीय चक्रवात हिंदी में, इंग्लिश में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर उनको ही टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं। दोनों के नाम लिख लिए आपने। पहले हम लोगों को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो पढ़ना है। बस मैं आज इसको समझाना नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, बस दो तीन पॉइंट जो है वो लिख लें, सो दैट कल क्या तीन चार पॉइंट अभी लिखवा देती हूँ, सो दैट कल पहले आऊँ पहले समझा ही दूँ, फिर माइंड फ्रेश होगा, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर ऑल्सो। राइट हेडिंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द वेदर डिस्टर्बेंसेस इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स, इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द वेदर डिस्टर्बेंसेस इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। These latitudes are an area of convergence, are an area of convergence where contrasting air masses, where contrasting air masses generally meet to form fronts, generally meet to form fronts। हिंदी में लिख लें उष्णकटिबंधनीय बंधीय चक्रवात, उसका उसकी डेफिनेशन या उसके कुछ ट्रेट्स लिखें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी होते हैं। ये चक्रवात गहन चक्रीय वायुमंडलीय परिसंचरण हैं जो गर्म, एक मिनट में आप लोगों को उष्ण कटिबंधनीय लिखाने लगी ना हिंदी में, अच्छा लिख लें इसका, जब डेफिनेशन लिख रहे हैं तो लिख लें एक बार को पूरा कर लें इसको। जो गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों की सतह पर उत्पन्न होते हैं। एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग द क्वेश्चन कि इसे किस तरह का क्वेश्चन आता है। जल्दी से डेफिनेशन लिख लें। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती है,
उन्हें बहिरोष्ण या शीतोष्ण, उन्हें बहिरोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य या उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से मध्य या तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से या गुजरते हैं या ये गुजरती हैं वह मौसम संबंधी अवस्थाओं में तीव्र गति से बदलाव आते हैं। ये लास्ट पॉइंट लिखें, ये अक्षांश वायु के अभिसरण क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर विपरीत गुणों वाली वायु राशियां मिलकर ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण करती है। क्वेश्चन लिख लें, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है अगर फुल लॉन्ग क्वेश्चन हो तो। एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। हिंदी में, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के फॉर्मेशन का, वैसे तो गठन उसको कहते हैं, पर उसको क्या कहेंगे फॉर्मेशन को यहाँ पे? हाँ, निर्माण, गठन इज नॉट द राइट वर्ड, कि निर्माण की प्रक्रिया और विधि द एंटायर मैकेनिज्म, क्रिया विधि विधि कुछ भी लिख लें, का वर्णन कीजिए। इसमें आप लोगों को साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, उसके कंडीशंस क्या होंगे, उसके सारे स्टेजेस, पूरा जो स्टेप्स उसके फॉर्मेशन का होगा वो, मतलब पूरा फ्रंटोजेनेसिस से लेकर फ्रंटोलाइसिस, फ्रंट के फॉर्मेशन से लेकर ख़त्म होने तक, साइक्लोन के फॉर्मेशन से ख़त्म होने तक के पूरे प्रोसेस को, और मान लीजिए उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है एंड ऑल्सो वो कहाँ पे फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस आंसर में जो है वो मेंशन करना होगा। मैंने आप लोगों को पहले लिखवा दिया है सो दैट कल आप लोगों को जो भी स्टेजेस हैं उनमें, हर स्टेज में वेदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वेदर में भी वो क्या चेंजेस ला रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप लोगों को लिखना होगा इसमें। और प्लस जो है, मान लीजिए कि जो भी फ्रंट्स के फॉर्मेशन होंगे उनके डायग्राम्स भी आप लोगों को बनाने होंगे। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो ये अपने आप में एक पूरा लॉन्ग आंसर है, एंड क्योंकि लास्ट बार ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्वेश्चन आया था इसलिए इट्स पॉसिबल, क्योंकि ये थोड़ा एक लॉन्ग आंसर बनने के लायक क्वेश्चन भी है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है अगर क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से आता है तो, बिकॉज एक साल क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से आया है इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाला, और एक साल क्वेश्चन जो है वो क्लाइमेटोलॉजी, मतलब ये साइक्लोन वाले पार्ट से जो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी डील कर रहे हैं उससे आया है। ठीक है,